दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका खाता पोस्ट ऑफिस में है तो आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या है सूचना, चलिए वीडियो में देखते हैं। भारतीय डाक ने पोस्ट ऑफिस में खाता धारकों के लिए कई नियमों में बदलाव करते हुए राहत दी है। इंडियन पोस्ट ने पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में पैसा निकालने की लिमिट बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, इस लिमिट को बढ़ाया गया है। ऐसा करने से उम्मीद है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम्स बैंकों से मुकाबला कर पाएंगे और लंबी अवधि में पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स बढ़ेगा। एक दिन में 20,000 रुपये निकाल सकेंगे। ग्रामीण डाक सेवा की ब्रांच में अब खाताधारक एक दिन में 20,000 रुपये निकाल सकते हैं। पहले ये लिमिट 5,000 रुपये थी। इसके अलावा कोई भी ब्रांच पोस्टमास्टर एक दिन में एक खाते में 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश जमा लेन देन को स्वीकार नहीं करेगा। मतलब ये कि एक दिन में एक खाते में 50,000 रुपये से ज़्यादा का कैश लेन देन नहीं किया जा सकता है। PPF KVP NSC के लिए नियम में बदलाव किया गया है। नए नियमों के मुताबिक बचत खाते के अलावा अब सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, मासिक आय योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजनाओं में जमा चेक के जरिए स्वीकार या विड्रॉल फॉर्म के जरिए किया जाएगा। मिनिमम बैलेंस कितना ज़रूरी है, आइए इसे हम देख लेते हैं। आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स पर 4% सालाना ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस में खोले गए बचत खाते के लिए मिनिमम बैलेंस 500 रुपये रखना ज़रूरी है। अगर आपके खाते में 500 रुपये से कम रकम हुई तो खाता रख रखाव फीस के रूप में 100 रुपये काट लिए जाएंगे। पोस्ट ऑफिस की योजनाएं कौन कौन सी है उसे हम देख लेते हैं। डाकघर बचत खाता, 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता, डाकघर सावधि जमा खाता, डाकघर मासिक आय योजना खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 15 वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि खाता, सुकन्या समृद्धि खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और किसान विकास पत्र। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं पर कितना कितना ब्याज मिल रहा है इस समय, इसे भी हम देख लेते हैं। 1 वर्षीय TD खाता पर 5.5% ब्याज, डाकघर बचत खाता पर 4%, 2 वर्षीय TD खाता पर 5.5%, 5 वर्षीय TD खाता 6.7%, 5 वर्षीय RD पर 5.8% और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 7.4%। PPF पर आपको 7.1% ब्याज इस समय मिल रहा है। वहीं किसान विकास पत्र पर 6.9%, जबकि सुकन्या समृद्धि खाता पर 7.6% का ब्याज इस समय दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए इसी प्रकार के नए नए और जानकारी भरे महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।